अभिषेक की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। टिपिकल बॉयफ्रेंड स्लैश हस्बैंड वाली हरकत करिए। हर जगह इसको एक लार्ज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज ले लेते हैं। क्या शक्ल रखी मेरी? देखो ना वही तो गाइस ऐसे। हाय गाइस, तो क्विक लाइफ अपडेट, अभिषेक की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मतलब कल पूरी रात ही लड़का सोया नहीं है। और अंकल आंटी जो है ना वो गए हैं अलाहाबाद शादी पे और वो आएंगे। सो बेसिकली कब गए थे अभिषेक? परसों रात के गए हुए हैं वो। अब वो आएंगे, कल रात की उनकी ट्रेन है तो वो परसों सुबह पहुंचेंगे। तो 3 डेज के लिए वो गए हुए हैं। और मतलब पता नहीं था किसी को कि अभिषेक की पीछे से तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। मतलब कोल्ड, काफ, फीवर, टॉन्सिलाइटिस, बहुत ऐसा लाइक जैसे मेरा हाल हो जाता है जब मुझे टॉन्सिल्स होते हैं ना, सेम। सो आई कैन लाइक लिटरली अंडरस्टैंड द पेन, बिकॉज व्हेन यू गेट टॉन्सिलाइटिस ना तो यू गेट फीवर आल्सो ऑटोमेटिकली। तो अभी लेकिन स्टिल थोड़ा सा बेटर है सुबह से, बिकॉज हमारा जो फैमिली डॉक्टर है बहुत अच्छे हैं। तो शिवानी ने और खासकर रितु आंटी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। नहीं मैंने क्या, मतलब मम्मी ने, लिटरली मम्मी ने तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैंने भी रखा है उसकी आंटी की बात, तो सर्वर दबा के सुना। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करती ना, यू नो। तो अभी स्टीम ले रहा है अभिषेक। और हाँ, मतलब स्टीम इज द की, स्टीम लेना तो बनता ही है। बाकी कल अभिषेक का शो है तो देखते हैं। आई रियली होप तब तक ये बेटर हो जाए। तो हाँ, ये लाइफ अपडेट है। और सुबह से अभिषेक की हालत काफी खराब थी, इसलिए हमने लाइक बिल्कुल भी ऐसा व्लॉग करने का ना सोचा भी नहीं, बिकॉज यार ऑब्वियसली आई नो कुछ लोग करते हैं यूट्यूब पे, हर चीज दिखाते हैं, बट वी वर लाइक माना के मुश्किल है। और फिर मैं तेरी वो कर देती, तू ना फिर भी अपना काम कर रहा होगा लैपटॉप पे ऐसे तबीयत खराब में भी, फिर मैं पीछे से तेरा गाना लगाती, रुकना तू बंदे या थमना तू। मतलब वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स टू गेन अट्रैक्शन बट वी डोंट डू। हाँ यार, मतलब थोड़ा बेटर जब आप उस स्टेट में आ जाओगे कि नाउ यू कैन फाइनली व्लॉग, नाउ यू कैन जस्ट टेक द कैमरा एंड स्टार्ट, तो आप फिर भी कर सकते हो ना हर चीज, क्यों हमेशा व्लॉग करनी। अभिषेक ने ना गाइज मेरे लिए कुछ ऐसा वो सोचा हुआ है वैलेंटाइंस का गिफ्ट, बट आप मुझे कब दोगे? वैलेंटाइन से पहले, बिकॉज यू आर गोइंग ना ऑन 14th। आ गया पहले तो बढ़िया, मैंने तेरे घर पे ऑर्डर किया है टू बी क्यों बट मैं चाहती थी जो भी है तू मुझे अपने हाथ से दे, बट कोई बात नहीं, कोई नहीं, डिलीवरी वाले भैया के हाथ से ले लियो, दिल से मेरा ही। लेकिन वही है ना, 14, 15, 16 तीनों दिन हम लोग मतलब नहीं मिलेंगे, सो आई वॉन्ट के 13th को तो मुझे दे, ताकि मैं 14 को लाइक मेरे पास गिफ्ट हो मेरा वैलेंटाइन का। मैं क्या 17 तारीख को लूंगी वैलेंटाइन का? वैलेंटाइन पे नहीं हूँ, बट मैं किस वो किस oh, no. स्लैब डे और किक डे पे भी नहीं, तो बच गया ना। बहुत ही गंदा जोक था, पता नहीं। यही तो दिक्कत है, पता है, ऐसी ऐसी लड़की पटाओ जो आपके गंदे से गंदा जोक पे भी हंसे। अभिषेक मैं ही बोलने जा रही हूँ यार, तू भी तो कुछ बोल ले भाई, तू तेरी भी तो ऑडियंस है, तू भी तो बात कर। हाय गाइस, बाय गाइस। अरे यार कसम से, मतलब ना बोला नहीं ज्यादा एग्जैक्टली, क्योंकि टॉन्सिलाइटिस की वजह से ना, तो दैट इज व्हाई इस टाइम पे 90% मैंने ही बोला है। इस टाइम पे मतलब कहना क्या चाहते हो? एवरी हर टाइम पे अभिषेक इतना भी नहीं है यार, बता देंगे लोग, वीडियो रोको, कमेंट में बताओ। अच्छा ठीक है, आई एम द टॉकेटिव पर्सन एंड आई एडमिट दैट, लेकिन इतनी भी नहीं। और क्या शक्ल रखी मेरी? देखो ना वही तो गाइस, ऐसे उजड़ा चमन हुआ है अभिषेक आज, बट कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। लेकिन वही है ना कि इस टाइम पे ऐसा होता है कि यार लाइक दोनों पेरेंट्स में से कोई भी नहीं, तो घर पे अभी कोई है नहीं, और मानू बहुत इसका ध्यान रख रहा है, ये तो है। और ये कल से मुझे मम्मी की याद आ रही है, मम्मी की याद आ रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ ना, मतलब मेरा कोई कितना भी ध्यान रख लेना, मुझे मम्मी चाहिए होती है। गाइस अगर आपके साथ ऐसा होता है प्यारा मम्मा किड, तो मुझे कमेंट्स में बता देना। हाय गाइस, सो अभी मैं हूँ अमृतसर, जलियांवाला बाग में एंट्री कर रहा हूँ। एंड आपको पता है मेरी सिम डेड हो गई, एकदम डेड इन द सेंस कि मतलब सिम प्रॉपर चल रही थी, चलते 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 अपने आप बंद हो गई। और मैंने सनी पाजी है हमारे, आज आप पहली बार मिलो। हाय गाइस, सो सनी पाजी और विक्की भैया हम लोग काफी ज्यादा परेशान हुए, मैं तो हुआ ही, मैंने भाइयों को भी थोड़ा परेशान किया। दो घंटे के करीब हम गए एयरटेल में, ये वो बहुत सारी चीज़ें, मेरे पास हार्ड कॉपी भी नहीं थी आधार कार्ड की, मतलब बहुत ज़्यादा हिसाब किताब, थक गए काफ़ी। बट अब आए हैं फाइनली जलियांवाला बाग में, विक्की भैया ये रहे हमारे,
हेलो विकी भैया, मैंने परेशान कर दिया ना आपको, सही बताओ? परेशान तो कुछ नहीं किया, अगर भाई की परेशानी में भाई नहीं खड़ा तो कौन खड़े होगा। सो हम जलियावाला बाग आए हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानियों के साथ जुल्म किया था उन भरे, मतलब उनको बच्चों पे, बूढ़ों पे, सब पे, मतलब ऐसे अंग्रेज़ों ने बिना उसके फायर कर दी थी। बहुत मैं बात डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी शहादत हमारे दिल में हमेशा रहेगी। सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम एंड सैल्यूट टू आर इंडियन आर्मी, सैल्यूट टू आर इंडिया। हम बहुत प्राउड करते हैं कि वी आर इंडियन। सो थोड़ा सा जलियावाला बाग घूमते हैं, आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद चलते हैं दरबार साहिब दर्शन करने, एंड उसके बाद जो भी खाएंगे पियेंगे वो सब दिखाएंगे। लेट्स गो। ये हैं गाइस गोलियों के निशान, जो आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं सारे गोलियों के निशान हैं। लोग मतलब दीवार पे जब चढ़ना चाह रहे थे तो ऐसे पीछे से बिल्कुल फायर वायर करा दी। आई फील रियली सैड एंड बैड। हम लोग आ गए हैं दरबार साहिब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, शास्त्रीय काल। और ये अब हम एंट्री करने जा रहे हैं गाइस, कितना सुंदर है देखो आप। चलते हैं अंदर, दर्शन वगैरह करते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इतना सुकून मिला मन को, इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि क्या हमें यार कुछ अलग सी वाइब्स आ रही थी। और तो और हमें अरदास वाले टाइम पे हम वो हो गए तो हमने बैठ के प्रॉपर अरदास भी सुनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब एक मन को इतना ज़्यादा सुकून मिला, इतना हैवी हो रहा था सर। अब बस जाते कुछ खाना पीने खाने। यही है वो इंसान जिनकी वजह से मेरे को सिम भी मिल गई और नेटवर्क भी आ गए। यही ध्यान से देखिए इस चेहरे को भैया, लव यू यार। इन्होंने मुझसे बोला कि भाई बाकी सब काम करेंगे बाद में, एयरटेल चलो पैदल। और ये दोनों मेरे भाई 2.5-3 किलोमीटर पैदल पैदल चल के मेरी सिंध लाने गए। और अब हम फाइनली आ तो गए, फाइनली नेटवर्क आ गए। और हम और ये भैया बहुत ही क्लासी ढाबे पे लेकर, भैया इतने क्लासी ढाबे पे लेके आए, प्रिंस वैष्णो ढाबा। हम लुधियाना वापस जा रहे हैं। ये देखो आप, बस आर्टिस्ट गिनते रहो। मान साहब, हरभजन मान, मलकीत सिंह, सलमान खान, ये सलमान खान, सनी देओल, बबू मान जी। अरे भाई साहब जी, वो भी कवर करने वाले, कवर करने वाले हो, दीदी मकसूद मियां जी, नंबर सारे रंजीत बाबा, सारे पंजाब के बड़े आर्टिस्ट। शाहरुख खान, शाहरुख खान ज्यादा गोरा हो गया। देखो भाई साहब पूरी गैलरी बना रखी है। और मतलब इतने लोगों ने खाना खाया तो यार कुछ तो बात होगी पाजी। 2 days later गाइस हेलो, मैं आ गया था अपने शो वो करके अमृतसर घूम के, नकोदा घूम के। ये देखो ये रही है पागल, आज मेरे को बोल रही है करने के बाद ब्लॉग कर रहा है, कोई पॉइंट नहीं है यार अब ब्लॉग करने का। ठीक है, मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इसका आज ना सारा, इसने जितना दिया है जो उस सब चीज का उसका वो बना हुआ था। मैं आज क्या चुप यार, एक मिनट, ये यार देखो कैंडल के लिए पागल हो गई है। अभी इसने अपना 6000 का कुंडा करवा लिया है, 6000 ही बोल ले, क्या हो गया, राउंड ऑफ कर दे। तो इसने बहुत सारे कपड़े लिए हैं यहाँ से, वेस्ट साइड से। एंड अब देखो कैंडल के लिए एक्चुअली ये वाली है वनीला एंड ब्लैक करंट, मतलब दोनों इतने तगड़े फ्रेग्रेंस और कॉम्बिनेशन, सोच क्या होगा। अच्छी तो है वैसे भाई साहब, बाथ एंड बॉडी वर्क्स की ऐसी की तैसी। इसने क्या करा पता है, वहाँ पे मेरे को बना दिया, मेरे को थैला पकड़ा दिया और आ जा रही है उसमें से कपड़े निकाल निकाल के, कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है। बॉयफ्रेंड स्लैश हस्बैंड्स वाली हरकत कर रही है, मतलब जो शादी के बाद हस्बैंड्स अपनी बीवियों के लिए करते हैं, बॉयफ्रेंड्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए करते हैं कि मैं शॉपिंग कर रही हूँ और अभिषेक मेरा थैला लेके घूम रहा है पीछे पीछे, जबकि मैं यूजुअली ऐसे कराती नहीं हूँ। अरे क्यों झूठ बोल रही है, आई स्वेयर मैंने कभी करा है, बहुत बार नहीं करा, बहुत बार मैं कभी नहीं कराती, मैं शॉपिंग कभी नहीं कराती, मैं शॉपिंग ही नहीं करती हूँ, मैं विंडो शॉपिंग करके चली जाती हूँ। वैसे बात तो सही है, मतलब बहुत टाइम पहले करा होगा शायद मैंने, ऐसा मेरे को याद नहीं है, बदनाम करके रखा। बट तो सही लगे इसके, लेकिन कपड़े मेरे को सारे आज मुझे जेन्युइनली 5-6 चीजें खरीदनी थी, इसलिए मेरे को कह रही सरोजनी चल, मैंने बोला ओए सुन मेरी बात, अभी भेजूं तेरे को सरोजनी, पैसे मिले ना तेरे को 2-3 जगह से ऐसे छुट्टे मुट्टे, मैं उसको खर्च कर ले। हाँ यार मेरे को पता है, मतलब डज नॉट मैटर कि लाइक आप जितना ही कमाओ, लेकिन आपको जब आपके बड़े पैसे देते हैं ना तो मेरे को बड़ा खुशी होती है, हाँ। जाओ और खर्च करके आ जाओ। चलो गाइज अब हम जाते हैं लाजपत नगर मार्केट, ले आएगी मुझे पता है, इसको दया तो है नहीं, बंदा 3 दिन बाद आया उसकी सेवा करे नहीं, सेवा उसको घुमवाएगी,
उसको इधर उधर घुमवाएगी। मेवा खिलाती हूँ। अरे कोई मेवा नहीं चाहिए मुझे। मेरी मम्मी ने आते मेरे को इतना अच्छा सर दबाया, तूने किया मेरे लिए कुछ? क्या किया? तेरी तबीयत खराब थी जब अंकल आंटी इलाहाबाद गए थे। हाँ यार, तब तो बहुत आया बड़ा। लार्ज की टी शर्ट आंटी रख लेंगी, एक्स्ट्रा लार्ज की मम्मी रख लेंगी। गाइस हम मम्मियों के लिए सूट ले रहे हैं और ये पता नहीं कौन सी बातें कर रही है। क्या बोल रही है तू बता? ये मम्मी के लिए लिया है, ये आंटी के लिए लिया है, ऐसे इम्प्रोम्प्टू शॉपिंग। अब कह रही है कि इसकी पैंट क्या? मैंने कहा कि ये सेम ले लेते हैं है ना, क्योंकि ये सुंदर लग रहा है। एक लार्ज ले लेते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज ले लेते हैं। मम्मी की अपर बॉडी हैवी है, आंटी की लोअर बॉडी हैवी है, तो एक्स्ट्रा लार्ज वाली पैंट आंटी रख लेंगी, लार्ज वाली मम्मी। यार वैसे पता है वो बोल भी नहीं थी दोनों को, सुन मेरी बात, वो बोल भी नहीं थी उनको सेम कपड़े चाहिए। एक कर दे क्या? एक्स्ट्रा लार्ज वाला कुर्ता मम्मी रख सकती है, लार्ज वाला आंटी मम्मी रख लेंगी। कर दे क्या? 6-7 रहेगा। 2 days later सो गाइस मैं सिटी वॉक पहुंच गया था, बहुत देर से वेट कर रहा था शिवानी का, एंड यार मुझे लगा कि मैं इतनी देर से जब फ्री हूँ, वो एक्चुअली उसको कोई काम आ गया था, वीडियो बनाने लगी थी अर्जेंट में, तो अभी वो आई है नहीं, तो मुझे लगा कि यार थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग, चेंज वेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखाऊंगा आपको क्या क्या लिया है मैं। उसका एक छोटा सा ना एक मिनी हॉल टाइप का बना के डालूंगा पक्का, आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ऐसे चेंजिंग रूम में हूँ, देखो मैं कुछ टी शर्ट्स देख रहा हूँ, देखते हैं जब तक आई थिंक आई जाएगी शिवानी। हमारा इवेंट स्टार्ट आई थिंक हो चुका है, होने वाला, आई डोंट नो, मतलब मैं तो टाइम से पहुंच गया था 3:30 बजे, नाउ इट्स 4:10, तो देखते हैं यार क्या सीन है। मैंने कर ली है शॉपिंग, देखिए ठीक ठाक, मेरा बैग कहाँ भाग रहा है। सो मैं गाइस बैग लेके आया हूँ एक्चुअली, यहाँ से मेरे को डायरेक्ट शो पे निकलना है, एंड शिवानी और यंशु भी आ रहा है बिकॉज ही इज़ अ क्रिकेट लवर, सो वो पहुँच गए हैं बिक्चल के सामने, जाता हूँ जल्दी से उनके पास। जिसका मुझे था इंतजार वो 1 घंटे बाद का वेट कराने के बाद आ गई है मुझे, लेकिन मैं कंटेंट बना रही थी थोड़ा, तभी समझ गया था, मैंने बता दिया उसमें पहले ही, लेकिन मैंने ज्यादा ब्लॉग नहीं किया तेरे बिना, मेरे को अच्छा नहीं लगता ना, तो मुंह फुलाया हुआ है मैं जब से आई हूं, बट मैंने शॉपिंग करी है बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो चलाक दो, ये अमन गुप्ता के स्टाइल में क्यों पहना हुआ है? मैंने उससे पहले भी एक दो बार ऐसे पहनी हुई है कसम से, मैंने उसको बाद में देखा, मैं अरे ऐसे तो मैंने भी पहनी थी, मैं शो पे ऐसे ही पहनता हूँ, कूल लगती है ना थोड़ी, हाथ से स्लिप हो गई ना कभी, फिर कूल बन जाएगा। Introduction whatsoever. So please give it up and welcome. So it's a very, very, very important day for us. This is for Ishan Bhaiya. Apna hi saaya dekh ke tum jaane jahan sharma gaye. Abhi to ye pehli manzil hai. Tum ho abhi se ghabra gaye. Mera kya hoga? Socho tu zara. Hai aise na aaye zara ki. गाइस बहुत ही अच्छा लगा हमें ईशान भैया से मिलके, और अब हम खा रहे हैं खाना पीना। ओए होए यंशु बंदा बढ़िया था ना, डाउन टू अर्थ, अच्छे से मिला, डाउन टू अर्थ है, सही में डाउन टू अर्थ है, मतलब ना वो एटीट्यूड नहीं है कि मैं क्रिकेटर हूँ, मजा आया मिलके। और शिवानी खा रही है मोमोज हर जगह इसको हर जगह तो पेट पूजा करने आती है। ओह नो ये सुनेगी ना मारेगी मुझे। करने कुछ खाना है भाई? आज तो वेज खाओगे तुम, इसलिए इंजू का कुछ मन ही नहीं है। एक से एक बढ़िया नॉन वेज डिशेस कह रही हूँ, डिशेस आई जा रही, और इंजू सैटरडे को बिल्कुल नहीं खाता नॉन वेज। और इंजू का फेवरेट बटर चिकन भी आया था, बटर चिकन टिक्का था और चिकन वाले मोमोज आए हैं, इतने यमी इंजू, और वो बेचारा शाहू खा रहा आई फील बैड फॉर यू। और ऐसा बहुत बार हुआ ना तुम्हारे साथ, भगवान तुम्हारी वो लेता है परीक्षा लेता है कि कितना लॉयल है। हाँ लेकिन यंशु ने आज तक नहीं खाया, ये भी बढ़िया चीज़ है। चलो बाकी ये देखो गाइस कितना बढ़िया डीएलएफ एवेन्यू का फूड कोर्ट बना दिया इन्होंने। सो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो गाइस, एंड अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल स्प्रेड लव एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। बाय बाय।